दिल्ली के तुगलकाबाद विखे श्री गुरु रविदास महाराज जी के मंदिर ढाए जाने के दलित भाईचारे वालों लगातार प्रदर्शन किया जा रहा है, जिसके चलद 13 अगस्त को रविदासीय भाईचारे वालों पंजाब भी बंद किया गया सी। जिस तो बाद 21 मैंबरी टीम दिल्ली विखे हरदीप पुरी एक मंग पत्र भी दिता गया सी, जिसका कोई हल नहीं किया गया। अज लोग इंसाफ पार्टी के नेता जरनैल नंगल वालों कालिया झंडिया लैके रोस प्रदर्शन किया गया। रेस्ट हाउस तो चल के शुगर मिल चौंक तक शांतमई ढंग प्रदर्शन किया गया। एस पी मनप्रीत सिंह ढिलों SP मनजीत सिंह फगवाड़ा अपनी पुलिस पार्टी समेत धरने च मौजूद सन। जरनैल नंगल ने कहा कि इत्थे देश विच ना कोई मुस्लिम ना ईसाई अते ना कोई दलित सुरक्षित है, इत्थों तक कि साडे धार्मिक स्थान वह भी सुरक्षित नहीं हैं। उन्होंने नाल यह भी कहा है कि जो जुडिशियल है वह सरकार के इशारों पर काम कर रही है। रातों रात श्री गुरु रविदास महाराज के इतिहासिक मंदिर को तोड़ा गया है, उसका मलबा भी खुरद फुरद कर दिया गया। नाल नंगल ने लोगों को अपील की है कि तुसी सारे रल के इकट्ठे होवो और इकट्ठे होकर शांतमय ढंग से प्रदर्शन करो। जरनैल नंगल ने यह भी कहा है कि असी किसी का विरोध नहीं कर रहे हैं, असी तो सिर्फ जुल्म के खिलाफ लड़ रहे हैं और लड़ते रहेंगे। अज असी सारे समूह गुरु रविदास नामलेवा संगत और समुची मनुखता मनण वाले जो लोग आज इतने इकट्ठे होकर अपना रोस जाहिर कर रहे हैं, क्योंकि अज 15 अगस्त का दिन है और एक पासे देश के अंदर जी 15 अगस्त है वो आज़ादी के दिवस के तौर पर मनाई जाती है, लेकिन जोड़ा 15 अगस्त 1947 का एग्रीमेंट है ट्रांसफर ऑफ पावर, वो ट्रांसफर ऑफ पावर जी गोरियां के हथों भूरियां के हथ च आ गई और गोरियां के हथों जो भूरियां के हथ च आ गई है अज देश के हालात जोड़े आ इदा के बन गए आ कि इतने ना घट गिणती सुरक्षित है, इतने ना कोई मुस्लिम ना कोई दलित ना कोई ईसाई कोई सुरक्षित नहीं है और इतों तक के साडे धार्मिक अस्थान जोड़े आ जोड़े इतिहासक धार्मिक अस्थान आ वह भी सुरक्षित नहीं है और जी जुडिशली है जुडिशली जी है वो सरकार के इशारे के उत्ते काम कर रही है, जिंदी जूदी जात की जी मिसाल है वो अभी है और नाल ही इन प्रमाणित करती है गल जी जे सुप्रीम कोर्ट के 4 जज जिन्होंने ये गल कही कि लोकतंत्र खतरे च आ जुडिशली के उत्ते पॉलिटिशियन का कब्जा हो गया वो जी लोकतंत्र खतरे वाली गल है वो साबित हो गई है कि जुडिशली ने जोड़ा इदा का साडे हिरदे गलूंदरने वाला फैसला दिता और वो एक्शन इदा होया कि तुसी देखो कि रातों रात जिहड़ा गुरु रविदास जी के इतिहासिक मंदिर को तोड़िया गया और सारे मलबे को खुरद बुरद किया गया। असी दिल्ली गए उत्थे जाके देखिया कि उत्थे मलबे का भी नामो निशान तक नहीं और उत्थे इदा ग्राउंड पदरिया कर दिता जिदा इतने कुछ भी नहीं हुंदा और इदा के हालात जोड़े बने आ इहदा मतलब ये आ कि देश के अंदर वो लोग जोड़े आ हर एक तबके दबा के रखना चाहते आ। इन्ने जबर जुल्म होने तो बाद भी भारत का प्रधानमंत्री 15 अगस्त को बड़ा बछैन होकर लता मंगेशकर को गाना सुनता कि सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा हम बुलबुल हैं इसकी ये गुलिस्तान हमारा। ये जड़ी गल है ये मुहम्मद इकबाल ने यह गल आज़ादी तो पहला कही सी कि सारी दुनिया तो सोहना साडा हिंदुस्तान है और जदों भारत आज़ाद होया तो मुहम्मद इकबाल को अंग्रेज़ों ने पूछा कि इकबाल साहब तुहानू आ मुल्क जड़ा आ जिहड़ा सारी दुनिया तो सोहना लगता सी वो अज किस तरह का लग रहा, तो इकबाल साहब ने अपने शायराना अंदाज दे विच आज़ादी तो बाद एक गल कही सी कि मुद्दत सी हुई जहाँ रंजो गम सहते हुए अब शर्म सी आती है इस वतन को अपना वतन कहते हुए, उन्हें शायराना अंदाज दे विच एक गल कही सी। उन्हें शर्म आने लग पई सी क्योंकि इतों के राज करन वाले लोगों ने इतों के घट गिणतियां नू इतों के वीकर सैक्शन नू इन्ना मधोड़ के रख दिता कि अज हालात आ हो गए आ। अज सानू अपनी रोजी रोटी की लड़ाई के बाहर आ जिहड़ी मान सम्मान की लड़ाई लड़नी पै रही है, सड़कों के उत्ते पूरा समाज उतरिया लेकिन किसी भी राज करन वाले दे कान ते जू नहीं सरक रही, इस करके अज का जिहड़ा साडा प्रोटेस्ट आ इह लोकां नू एक सुनेहा आ कि वो लोग जिहड़े 15 अगस्त नू आज़ादी दिवस मनाउंदे आ 15 अगस्त आज़ादी दिवस उन्हां लोकां लई हो सकदा जिहड़े रात नू पैग ला के सौंदे आ, उन्हां लई आज़ादी हो सकती है जिहड़े वड्डे वड्डे कारपोरेट घराने आ उन्हां लई आज़ादी हो सकती है, जिहड़े वड्डे वड्डे राजनीतिक घराने आ उन्हां लई आज़ादी हो सकती है, जिहड़े लोग इस देश के सिस्टम नू चला रहे आ उन्होंने लिए आज़ादी हो सकती है, लेकिन आ जोड़े लोग सिस्टम के सताए हुए लोग आ इन्हों की आज़ादी नहीं है। देश के 90% लोग जोड़े आज इन लोगों के जुल्म का शिकार हो रहे हैं। अज इस करके असं यह सुनेहा देने वास्ते आए हाँ कि असी अज शांतिपूर्वक लोगों को सुनेहा दे रहे हैं कि अज की आज़ादी जी है 72 सालों तो बाद भी अज साडे हालात की है, 72 सालों तो बाद जो अब साडे हालात है तो ये जिम्मेवार कौन है,
इस गल का जवाब जिहड़ा आ वो जरूर मिलना चाहिए। इस गल का जवाब केंद्र की सरकार को जरूर देना चाहिए। असी मंगलवार केंद्र की सरकार के मिनिस्टर मिस्टर हरजीत सिंह पुरी के नाल मीटिंग की, जिहदे कोल डिवेलपमेंट का अर्बन डिवेलपमेंट का महकमा आ, असी उन्हां मीटिंग की है, लेकिन हाले तक कोई हल नहीं निकलिया। असी समाज की गल जी उन्होंने रखी कि इस देश के अंदर ये 30 करोड़ लोगों के जज्बातों के नाल खिलवाड़ हो रहा, लेकिन उन्होंने ए लगता है कि शायद ये लोग जोड़े आ 2-4 दिन रौला पा के चुप करके बैठ जाएंगे। बड़े व्डे भुलेखे के है वो व्डे भुलेखे चा, लेकिन मैं सारे समाज में सारे सताए हुए धिर बेनती करता जिन्या सताइया हुई धिर आया कि तुम कट्ठे होवो, इकट्ठे हो के अपना शांतमई आप प्रोटेस्ट करना। आप किसी का विरोध नहीं कर रहे, आप सिर्फ जुल्म का विरोध कर रहे हैं, और जुल्म का विरोध करने के लिए असी दिन भर रात डट के लड़ाई लड़ांगे। सारे साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। फगवाड़ा तो मनु चावला की रिपोर्ट। नवीं ताज़ा खबरें सब तो पहला वेखने साडा यूट्यूब चैनल सबसक्राइब करो। सांची दे सिर्फ खबरां जानने दे लई नहीं, सभ्याचारक प्रोग्राम, खास मुलाकात दे विच सोशल इशू, पॉलिटिकल इशू, इन्हां सारे इशूज़ नूं जानने दे लई सबसक्राइब करो अपना यूट्यूब चैनल सांची।